ते पहिले इसका शूटिंग ले 10 दिन से ऐसा मत ले खड़ा मत ले आड़ा ले ठीक है YouTube पे डाल दे बड़े इधर करो नहीं तो जब समा चले शूटिंग तब भी आटर बंद करो हाँ हाँ उसने रखता कुछ तो क्या उसको काटने की बहुत आदत है नीचे बैठ नीचे बैठ सामने ले मेरे साथ नमस्कार तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया और यहाँ पे आने के बाद देखा तो इस बार फिर मुझे वुल्फ स्नेक मिला मराठी में इसको कौड़िया बोलते हैं और नॉन वेनमस है लेकिन हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि इसको बाइट लेने की बहुत आदत है और फिलहाल तो इसने कुछ खाया हुआ है अभी तो एक बार आपको पहले मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ ये देखो उसने काट लिया अभी अभी उसने बहुत ज़ोर से बाइट ली मुझे नज़दीक से दिखा ये देखो कैसा काटता है वो ये देखो काटते समझ लीजिए जरा उसके दिक्कत से काटते हैं वो ये देख काटने की बहुत आदत रहती है लेकिन ये नॉन वेनमस है नॉन पॉइजनस है और इसके बारे में हर बार मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि इस सांप को अच्छी तरह पहचान लो लोग इसको क्रेट समझ के मार देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये क्रेट है क्रेट यानी महाराष्ट्र में उसको मनियार जो मनियार के नाम से जाना जाता है तो ये मनियार नहीं ये वुल्फ स्नेक है ये काफ़ी उससे मिलता जुलता है सिर्फ इसको ध्यान में इसको पहचानना कि ये ब्राउन कलर का होगा और उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइनिंग्स होती है जो कॉमन क्रेट होता है वो पूरा ब्लैक कलर होता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइनिंग्स होती है तो ये जो ब्राउन कलर का है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइनिंग है तो ये वुल्फ स्नेक है महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं कौड़िया और ये नॉन वेनमस है नॉन पॉइजनस है लेकिन अगर गलती से किसी ने इसको पकड़ा तो ये बाइट बहुत बार लेता है जितनी बार आप पकड़ेंगे उतनी बार ये बाइट लेते रहता है तो आप इसको देख सकते हो अभी फिलहाल तो मैं ज़्यादा हलचल नहीं कर अभी इसने बहुत जोर से काटा मुझे इसकी बाइट काफ़ी खतरनाक होती है आप लोग एक बार इसको देख के पहचान लो इसको अच्छी तरह पहचान लो अच्छे तरह से इसको देख लो ब्राउन कलर का रहेगा ये ब्राउन कलर का रहता है और व्हाइट कलर की ऊपर इसकी लाइनिंग्स रहती है तो ये जो है ये नॉन वेनमस है नॉन पॉइजनस है और ये अगर आपको ऐसा दिखेगा अगर पूरा ब्लैक कलर का है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइनिंग्स रहेगी तो वो जो है हाईली पॉइजनस है जिसको क्रेट बोलते हैं महाराष्ट्र में उसको जिसको मनियार बोलते हैं तो ये काफ़ी मिलते जुलते हैं इसके लिए लोग इसको मार देते हैं तो इसको मारो मत अगर वो कोई जहरीला सांप भी रहेगा तो भी इसको मारो मत खाली उसके ऊपर नज़र रखो और हम लोग तो बैठे सेवा करने के लिए तो एक बार इसको अच्छी तरह देख लो वुल्फ स्नेक मराठी में इसको कौड़िया बोलते जाएगा और ये इसको हम लोग सही तरीके से इसको अभी इसको रेस्क्यू तो किया है और इसको सही तरीके से इसको हम लोग नेचर में भी रिलीज कर देंगे और इस सांप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको ये जो सांप है ये ज़्यादातर जो डिपेंड रहता है ये छिपकली के ऊपर डिपेंड रहता है जो लीजर्ड रहती है इसके ऊपर डिपेंड करता है इसके लिए ये देखो इसने अभी कितनी जोर से मुझे काटा यहाँ पे ये जितनी देर में हाथ में रहेगा उतनी बार ये जोर से काटेगा तो ये छिपकली के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ता नहीं ये फुल साइज़ का है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट इसके आगे ज़्यादा नहीं है और इसका मुंह भी काफ़ी इतना ही छोटा रहता है और कुछ एरिया में कुछ स्टेट में इसको लीजर स्नेक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लीजर हमेशा खाता है इसके लिए इसको लीजर स्नेक के नाम से ये जाना जाता है अभी देखो इसने काफ़ी ज़ोर से पावरफुल बाइट ली मुझे आप देख सकते हो यहाँ पे तो जितने भी हमारे जो लोग हैं और जितने भी हमारे जो नए जो स्नेक फ्रेंड हैं इस लाइन में जो हैं तो सब लोगों से गुजारिश है कि कोई भी सांप को बिना प्रशिक्षण बिना ट्रेनिंग के बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हाथ में मत पकड़ो क्योंकि ये धोखादायक हो सकता है अगर कोई नॉन पॉइजनस अगर कोई पॉइजनस सांप होगा और आपने अगर गलती से उसको पकड़ लिया और उसने बाइट ले लिया तो आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि ये जो काम है ये पूरा ट्रेनिंग के साथ पूरे प्रशिक्षण के साथ पूरी इसके ऊपर पढ़ाई इसके ऊपर पूरा नॉलेज रहता है तब जाके ये काम किया जाता है ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और आपने उसको पकड़ लिया तो ऐसा कोई भी काम ना करें कोई भी सांप को हाथ में ना पकड़ें सिर्फ उस पर नजर रखें और हमको कॉल करें बस इतना काम करो और कोई भी सांप को मारो मत क्योंकि सांपों का पर्यावरण में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है हमारे पर्यावरण के आसपास की जो गंदगी उनको खाता है ये चूहे छिपकली मेंढक ये सब चीज़ें खाते हैं और एक पर्यावरण का जो एक बैलेंस बनता है ये
तो इसलिए उस बैलेंस के बीच में हम लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी है। तो यही बताने के लिए लोगों को थोड़ा सा मैं अपील करता हूँ वापिस से कि कोई भी सांप दिखे तो उसको मारो मत, क्योंकि उसको पर्यावरण में रहना बहुत जरूरी है। इसको हम सही सलामत पकड़ेंगे और उसको नेचर में वापस से रिलीज कर देंगे। और भाई किसको कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है क्या, किसी को कोई सवाल करना है, कॉमन क्रेड उसको बोलते हैं, कॉमन क्रेड उसको मराठी में मनियार बोलते हैं। तो उसके ऊपर ऐसी लाइनिंग दिखेगी आपको, जैसे लाइनिंग दिख रही ना उसमें भी सेम ऐसी लाइनिंग दिखेगी, लेकिन वो पूरा ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक, तो वो हाईली पॉइजनस। और वो जो मनियार जो रहता है वो हमेशा वो रात के टाइम एक्टिव होता है, दिन में निकलता नहीं। और ये जो सांप है ये कभी भी निकलता है और ये हमेशा घरों के आसपास या घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये छिपकली खाने के लिए आता है। और ये सांप की खासियत ऐसी है कि ये एक ऐसा सांप है जो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, पूरे आपकी कितनी भी ऊंची दीवार हो, आपकी दो मंजिला तीन मंजिला की भी बिल्डिंग होगी ना, तो हाँ ये ऊपर तक चले जाता है पूरे दीवार तक। अच्छा ये अभी दीवार है ना, दीवार के ऊपर ऐसे चले, ये सांप ऐसा है। और इसको काटने की बहुत आदत है, एक बार ध्यान में रखना, बाई चांस कभी गलती से आपको दिखा और आपने पहचान लिया और आपने सोचा कि चलो ये नॉन पॉइजनस है हमको पता है और आपने पकड़ा, तो ये काटता बहुत जोर से, तो ध्यान में रखना। क्या होता है कि आप लोग को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप डर गए, तो कैसा है आपका वहम, वहम की वजह से आपको अटैक भी आ सकता है, आपको रात भर यही लगेगा इसने मुझे काट लिया, पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो एक बार आपको नजदीक से दिखा देता हूँ, एक बार आप नजदीक से देख लो इसको, फुल स्नेक नजदीक से तो आप इसको देख सकते हो, ध्यान से इसको एक बार पहचान लो, वापिस से देख लो, वुल्फ स्नेक मराठी में इसको कवड़े बोलते हैं, नॉन पॉइजनस से काफी गुस्सा भी आता है इसको बहुत, पकड़ा ना तो काटता ही बहुत, अभी फिलहाल तो उसने कुछ खाया हुआ है और अच्छी काफी इसकी सेहत है अभी। इधर ले सामने, किसी को अगर कुछ सवाल रहेगा, कुछ अगर मन में कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछना रहेगा। नहीं ऐसा है, उसको हाथ लगाएगा तो डायरेक्ट पकड़ लेगा, काट लेगा, मेरे को अभी तीन के चार बार काट चुका है वो। आप भी काटो, नहीं नहीं ये नॉन पॉइजनस रहता है ये सांप की, ये जो सांप है ना इसको काटने की बहुत गंदी आदत रहती है, इसको आप जितनी देर पकड़ के रखिए ना, अभी मैं उसको ये भी हमको तरीका पता है इसके लिए, वो अभी तक उसने दो या तीन बार काटा है, अगर ये किसी के हाथ में दिया ना तो उसको कंटिन्यूस काटते रहेगा, ये काटता बहुत जोर से है। ये हल्का सा खून सा आता है थोड़ा सा, दो डॉट नहीं आते इसको, इसको दो डॉट नहीं आते, इसके पास छोटे छोटे दांत रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसको फैंग्स नहीं है। जो जो पॉइजनस सांप रहता है जब वो काटता तभी आपको दो डॉट आते हैं उसके, और वो काटने के बाद 20 या 25 मिनट के बाद आपको रिएक्शन हो जाएगा, आपके हाथ में सूजन होगी, दर्द होगी, जलन होगी तेज, और एक तकरीबन आधे घंटे के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो समझ जाना कि किसी पॉइजनस सांप ने आपको काट लिया। और दूसरी बात, जो इससे मिलता जुलता सांप है, ये जो इससे मिलता जुलता जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जो क्रेट, तो क्रेट का सिर्फ एक ध्यान में रखो, वो हमेशा रात को निकलता है और गलती से अगर उसने काट लिया आपने देखा तो टाइम पे इलाज हो जाता है आदमी का, क्योंकि वो सांप ऐसा कि जब आपको काट लेता है तो ना दर्द होती है, ना जलन होती है, ना सूजन होती है, ना पता चलता है, सिर्फ ऐसा लगेगा आपको एक मामूली से मच्छर ने काटा। और दो अढ़ाई घंटे के बाद आपके पेट में बहुत तकलीफ होगी रात को, और उसके बाद भी धीरे धीरे वो तकलीफ बढ़ती जाएगी, तो धीरे से आपको उल्टी होगी और आपकी जो ये जो गाल है इसकी जो ये जो चमड़ा है आपका ये ऐसा टाइट होते जाएगा, तो ये समझ जाना कि आपको क्रेट ने बाइट किया है। वो उस वक्त आपका इलाज होगा तो ठीक, ना तो ज़्यादातर कैसा वो नींद में काटता है किसको, और नींद में काटने के बाद तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये उससे मिलता जुलता है तो इसको लोग क्रेट समझ के उसको बेरहमी से मार देते हैं। इसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो सांप कोई भी हो, अगर आप उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे, कितना भी दुनिया का जहरीला सांप वो कभी काटता नहीं है, जब तक आप उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे वो कभी काटता नहीं है। क्योंकि अगर सांप नहीं बचेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे इंडिया में क्या हो जाएगा, या मतलब ये पूरे पर्यावरण में क्या हो जाएगा, चूहे बहुत हो जाएंगे, और चूहे ज़्यादा हो गए तो चूहे क्या करते हैं, अपना अनाज, अपने खेत, ये सब बर्बाद कर देते हैं। और चूहे की जो जो ये रहती है, जो प्रजनन जो क्रिया रहती है उसकी, वो बहुत फास्ट रहती है। एक साल में चूहा जो रहता है 250 से 300 बच्चे देता है चूहा, ये उनको खा के खत्म कर दिए सब सांप, ये तो नहीं मतलब खाता चूहा, क्योंकि ये ज़्यादातर छिपकली वगैरह खाता है, और चूहा एक टाइम खाएगा लेकिन कभी छोटा बच्चा होगा तो, क्योंकि ज़्यादा बढ़ता है, ये फुल साइज का है। तो इसका साइज इतना रहता है, इसका साइज इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता, ये अभी पूरा तैयार है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा ये। अच्छा, बड़ा है क्या? हाँ ये पूरा तैयार है अभी, ये किधर दिखता है, छोटा बच्चा नहीं है ये, इतना ही रहता है,
ये जो जाति है हर हर साल की एक एक जाति लेगा, अभी वाइट लेगा। किधर दिखता है, किस एरिया में दिखता? ये एरिया का ऐसा नहीं रहता, ये किधर भी आता है, इसको खाने को मिला, भूख लगी तो किधर भी जाएगा, आपके घर जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, जो जाएगा, ये फाइव स्टार होटल के अंदर भी चले जाएगा, किधर जाएगा ना, तो किधर भी जाता है, सिर्फ भूख के लिए जाता है, खाने के लिए जाता है, बाकी उसको कुछ देना देना नहीं। अरे बाप रे, देखो 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 कितना जोर से काट, मैं भी डर गया, देखा है कितना तेज काट रहा है, ये देखो, ये जब तक पकड़ेंगे ना ये काटते रहेगा। तो बस आखिरी में यही बोलूंगा लोगों से कि कहीं भी सांप दिखे तो ऐसा हमको कॉल कीजिए कि हमारी फ्री सेवा है, इसका कोई चार्जेस हम लेते नहीं है। सांपों पे नजर रखो, उसकी जान बचाओ, क्योंकि सांप का पर्यावरण में रहना जरूरी है, इसको सही तरीके से हम लोग नेचर में वापस छोड़ देंगे और ये भी अपनी जिंदगी जिएगा। जियो और जीने दो वाला हिसाब है।